खबरों का विस्तार। संयुक्त राष्ट्र की 70वीं वरेगंढ मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार करने लई जोरदार अपील की। मोदी ने विकसित देशों नूं कहा कि विकास और जलवायु तब्दीली की अपनी वित्तीय वचनबद्धता पूरा करो। मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के विकास सम्मेलन नूं संबोधित करते हुए कहा कि सुरक्षा परिषद समेत संयुक्त राष्ट्र में सुधार लाजमी है ताकि इसकी भरोसेयोगता बनी रहे। नाल ही व्यापक तर्जमानी नाल उद्देशों की प्राप्ति ज्यादा प्रभावी रूप नाल होगी। उन्होंने कहा कि असि अजिहे संसार का उसारी कर सकते हां जिथे हर एक जीव सिर्फ सुरक्षित महसूस कर सके अते सारिया नूं मौका अते सम्मान मिले। मोदी ने इस महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन के प्रबंध लई सब नूं वधाई दी अते जलवायु तब्दीली के विषय नूं महत्वपूर्ण दस्या। आज दुनिया में 1.3 बिलियन लोग गरीबी की दयनीय जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। अगर हम सब का साझा संकल्प है कि विश्व शांतिपूर्ण हो, व्यवस्था न्यायपूर्ण हो और विकास सस्टेनेबल हो, तो गरीबी के रहते यह कभी भी संभव नहीं होगा। इसलिए गरीबी को मिटाना यह हम सबका पवित्र दायित्व है। सिलिकॉन वैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे स्वागत लिए तैयार है। 30 साल विच पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिलिकॉन वैली आ रहे ने। मोदी इथे अमरीका दी सब तो वड्डी कंपनियां गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक आदि दे सीईओज नाल मुलाकात करन जा रहे ने। मोदी दी इस यात्रा दा मुख उद्देश स्टार्टअप खोज अते टेक्नोलॉजी दे है। जेकर विदेशी कंपनियां डिजिटल इंडिया दे सुपने नूं साकार करन लई भारत आउंदियां ने तां नौजवानां नूं नवे मौके मिलणगे। टेक्नोलॉजी दे जरिए सरकारी सेवावां दी पहुंच वधेगी अते उहनां विच सुधार होवेगा। रिपब्लिक अते डेमोक्रेटिक पार्टियां दे कई संसद 27 सितंबर नूं सैनट जोस दे सेफ सेंटर विच मोदी नाल मुलाकात करनगे, जिस विच 18,500 भारती अमरीकी भी शामिल होणगे। सरकार दी मुद्रा योजना तहत मौजूदा वित्तीय साल दे अंत तक सूखम अते छोटे कारोबारियां नूं 1,22,00,000 रुपए दा कर्जा वंडण दा उद्देश है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पंजाब नेशनल बैंक द्वारा आयोजित एक प्रोग्राम विच मुद्रा योजना दे तहत कर्जा अभियान दी शुरुआत करदे होए कहा कि इस योजना दे तहत हुण तक 37,00,000 लोकां नूं 24,000 करोड़ रुपए दिते गए ने। मुद्रा योजना दे तहत उहनां कारोबारी खेत्रां नूं कर्जा उपलब्ध करवाया जाएगा जो कि हुण तक इस सहूलत तों वांछे ने। मार्च 2016 तक छोटे उद्यमियों नूं बैंकिंग प्रणाली राही 1,22,00,000 रुपए का कर्जा दिता जाएगा। जेटली का कहना है कि इस गरीब लोगों नूं कर्जा लेंदे समय कोई गारंटी नहीं देनी पवेगी। इस योजना के तहत बच्चा श्रेणी नूं 50,000 रुपए, किशोर श्रेणी नूं 50,000 तो 5,00,000 रुपए तक, तरुण श्रेणी नूं 5 तो 10,00,000 रुपए का कर्जा दिता जाएगा। हरियाणा दे जिला सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा मुखी गुरमीत राम रहीम नूं सिखां दी सर्वोच्च संस्था श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा माफी दिते जाण नूं लैके विवाद खड़ा हुंदा जा रहा है। इस नूं लैके कुछ सिख जथेबंदियां ने करड़ा इतराज जताया है। इस माफी नूं सिखां दे नाल धोखा ते राजनीति नाल प्रेरित फैसला करा दिता गया है। इस तों पहलां कल डेरा मुखी दे हथां ईश निंदा दे वाके नूं पलौंदियां अकाल तख्त साहिब ने कहा सी कि डेरा मुखी नूं उस दे कीते ते मुआफी कर दिता गया है, जिस ते पहलां सिखां दी भावनावां नाल खिलवाड़ दा आरोप लग्या सी ते फिर डेरा मुखी वल्लों मुआफी मंगे जाण दी मंशा नाल इक चिट्ठी लिखी गई सी। सिख नेतावां दी दलील है कि उन्हां नूं माफ करन दा फैसला लैण तों पहलां डेरा मुखी वल्लों भेजी गई माफी दी चिट्ठी नूं जनतक करना चाहीदा सी। श्री अकाल तख्त साहिब दे साबका जथेदार जोगिंदर सिंह वेदांती ने कहा है कि इस माफी नाल श्री अकाल तख्त साहिब दी मर्यादावां दा उल्लंघन होया अते इह सब सिखां नाल धोखा है। इस दे नाल ही वख वख सिख आगुआं दा कहना है कि श्री अकाल तख्त साहिब ते खुद पेश होए बगैर ही उस नूं मुआफ कर देना बहुत ही संदेहपूर्ण अते सिख कौम नाल वड्डा धोखा अते सिख रवायतां दे विपरीत है। उन्हें इस फैसले दी सख्त शब्दां विच निखेधी करदिआं कहा है कि विश्व भर दे सिख जथेदारां दे इस फैसले तों दुखी हन अते जथेदारां नूं अपने इस फैसले ते मुड़ विचार करना चाहिदा है।
मैंबर पार्लियामेंट प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा बीते दिन पिंड हरपालपुर विखे शहीद भगत सिंह स्पोर्ट्स क्लब वालों करवाए गए कबड्डी ते वॉलीबॉल टूर्नामेंट के आखिरी दिन खिडारियों की हौसला अफजाई करन पुजे। इस मौके खिडारियों नूं सन्मानित करदिया प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कहा कि अजिहे टूर्नामेंट हमेशा करवाए जाते रहने चाहिए ने जिस नाल खिडारियों का खेडां प्रति होर रुझान पैदा हुंदा है। उन्हें इस मौके शहीद स्पोर्ट्स क्लब अते इलाका वासियों नूं वधाई दे पात्र दस्सिया। शहीद भगत सिंह स्पोर्ट्स क्लब ने और ग्राम पंचायत हरपालपुर ने जो इतों के नौजवानों खेडा खेडने का मौका दिता, लाख के लोगों खेडा देखने का मौका दिता। जेडे यूथ क्लब आ वो सारे का सारा नशा रहता और सारे के सारे एक समाज सेवा। पंजाब सरकार भावें लोगों नूं बेहतर सेहत सेवावां देण लई किन्नी कोशिश करदा रहे पर सेहत विभाग टिल्ले मठे अते अणगहली परे रवैये नाल सरकार दे सारे मनसूबियां ते पानी फेर दिंदा है। इस दी ताज़ा उदाहरण मिलदी है बंगा दे सिविल हस्पताल विच पईआं ब्लड कंपोनेंट सप्रेसन मशीनां तों। इह मशीनां लगभग 6 साल तों इस हस्पताल विच बंद पईआं ने। जिस तरह जिला नवांशहर विच डेंगू दा कहर जारी है तां इन्हां मशीनां तों प्राप्त प्लेटलेट सैलां नाल कई मरीजां दा इलाज हो जाणा सी। जदों नवांशहर दे उच्च सेहत अधिकारियों नाल इस बारे गलबात करन दी कोशिश कीती गई तां कोई भी अधिकारी दफ्तर विच मौजूद नहीं मिलिया। हस्पताल विच मौजूद मरीजां ते उन्हां दे रिश्तेदारां ने मांग कीती कि इन्हां मशीनां नूं जल्दी चलाया जावे तां कि सरकार द्वारा लगाए लखां रुपए नाल आम लोकां तक फायदा पहुंच सके। इस कंपोनेंट नूं स्थापित कीता गया ते अज तक इह नहीं चल सकिया, जबकि साडे इलाके दे विच इत्थे काफी डेंगू दे मरीज हुंदे ने और होर भी ऐसे कई मरीज ने जिन्हां नूं वाइट सैल की जरूरत पैंदी है। टिल डेट जिहड़ा है साढ़े 91 पॉजिटिव आ चुके हैं, पर अच्छा साढ़े कोल 4 साढ़े कोल दाखल है, बाकी सारे साढ़े पेशेंट ठीक हुए है। एक जो पिछले दिन जो डैथ हुई है असी कल डैथ रिव्यू की है, उहदे विच जिहड़ा कॉज ऑफ डैथ जिहड़ा है वो डेंगू नहीं आया, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर आया। मुकेरिया नेड़े कस्बा दसूहा पुलिस ने एक वड्डी कामयाबी हासिल करदिया लोकां नाल लखां रुपए की ठगी मारन वाले गिरोह नूं काबू करन विच सफलता हासिल कीती है। दरअसल दसूहा अते आसपास दे इलाकियां दे कई लोकां नूं इह ठग गिरोह जिस विच पति पत्नी ते इन्हां दा पुत्तर शामिल ने विदेश भेजण दे नाम ते अते व्यास ते पैसे देण दा गोरख धंधा चला के हुण तक लखां रुपए की ठगी मार चुके ने। इन्हां दी ठगी दे शिकार होए दसूहा दे नाल लगदे पिंडां दे करीब 9 लोकां दी शिकायत ते वड्डी कामयाबी पुलिस दे हत्थ लगी है। गिरफ्तार किए गए बलविंदर कुमार वर्मा, उसकी पत्नी दर्शना वर्मा और उसका लड़का प्रदीप दसूहा शामिल है। इन्होंने भोले भाले लोगों ने दसूहे के लोगों ने ठगी मारी, कुछ बाहर जाने के नाते एजेंटी के नाते, कुछ सोना मतलब भी रख के भी तुम 5% ब्याज देंगे, मतलब अड अड तरीके 3-4 तरीके लोगों को ठगी मारी। ठगी मार के ये रातों रात जो भजे अपना घर भी कोठी भी बेच गए, कोठी के नाते पहला लोन लिया सी इन्होंने किसी बैंक तो, उदों बाद किसी को बयाना करके 2 बंदे असी तफ्तीश कर रहे हैं। रोपड़ दे लहरी शाह मंदिर विखे सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट वालों डॉ SP सिंह ओबराई दी सहयोग अते गतिशील अगवाई विच मुफ्त मेडिकल कैंप लगाया गया जिसका उद्घाटन जिले दे SPHHS हुंदल वालों किया गया। इस मौके बोलदिया श्री हुंदल ने कहा कि अज ते महंगाई दे दौर विच गरीब लोगों नूं महंगे टेस्ट ते दवाईयां दी खरीद करना बहुत ही मुश्किल है, जिस करके गरीब लोगों नूं इस कैंप दा बहुत फायदा होगा। काबले गौर है कि सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट वालों समय समय से अजिहे भलाई दे कम्मां वाले कैंपां दा आयोजन किया जाता रहा। इस ट्रस्ट वालों गरीब लोगों नूं पेंशनां, बच्चों की पढ़ाई लई खर्चा, गरीब अते योग लड़कियां लई सिलाई अते कंप्यूटर केंद्रां विच मुफ्त सिखलाई दित्ती जांदी है। इस मौके मैक्स सिटी हस्पताल दे MD डॉक्टर सुजीत सिंह ने दस्सिया कि इस कैंप विच डिस्क, सर्वाइकल, जोड़ां ते हड्डियां दे दर्द आदि संबंधी चेकअप जो कि बाजार विच महंगे किते जांदे ने बिल्कुल मुफ्त करके मरीजां नूं दवाईयां भी मुफ्त वंडियां जाणगियां। सैटा दे नाल जिहड़ा कैंप लग्गिया अज दी डेट दे सोसाइटी नूं इह जिहे कैंप दी बहुत ज्यादा जरूरत है। कई अपने
ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਂਪਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰੂਬੀ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਭੱਲਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਭੱਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੈਕਸ ਸਿਟੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਆਡੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਰਵਾਈਕਲ ਡਿਸਕ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕਅਪ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਦਲ ਐਸ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਮਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮੈਕਸ ਸਿਟੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੀ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਔਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤਤਪਰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਖਬਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ 9ਵੀਂ ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਿਕਰੇ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਪਦਮ ਸ੍ਰੀ ਕੇ ਐਸ ਬੈਂਸ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਐਸ ਐਸ ਨਾਗ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪਦਮ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਰਮ ਸਾਨੀ ਇਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਐਤਕੀ 27 ਸਪਟੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਬਾਊਟ 13 ਟੀਮਸ ਦੀ ਵੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਕੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਕਲਚਰਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਜਾਂ ਟੈਨਿਸ ਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 9-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹਾਕੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਤਪਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਔਰ ਇਹ ਜੋ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਔਰ ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ 3 ਓਲੰਪੀਅਨਸ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਚਿਮਨੀ ਜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਧਰਮਜੀਤ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕੀ ਦੀ ਰਿਵਾਈਵਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅੱਛੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਵਮਈ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਮੈਨ ਹਾਕੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵੂਮੈਨ ਹਾਕੀ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਵਰ ਮੇਨ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਏ ਕਲਾਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਰੱਸਟ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦੈਟ ਵੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਓਲਡ